हेल्दी क्रिस्पी हाई प्रोटीन रैप विच आर सुपर डिलिशियस, ये वीगन है। वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ फिट डिलिशियस मील्स। आप देख रहे हैं फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। इफ़ यू लाइक ईटिंग ओरिएंटल फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो इन रैप्स को बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप वेजिटेबल्स। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, टोफू यानी सोया का पनीर, या फिर आप डेरी का पनीर ले सकते हैं, लेकिन डेरी पनीर से ये रेसिपी वीगन नहीं रहेगी, ये वेजिटेरियन फिर भी होगी। नमक और सीजनिंग स्वाद के अनुसार मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, गार्लिक पाउडर, ड्राइड हर्ब्स एंड कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है। सोया सॉस 1 टीस्पून, राइस पेपर्स हम लेंगे उनकी शीट्स 4 से 8, ऑलिव ऑयल 2 से 3 चम्मच। ड्रेसिंग भी हम प्रिपेयर करेंगे जिसके लिए पीनट बटर, सोया सॉस, सीजनिंग और थोड़े से सेसमे सीड्स एंड वार्म वाटर हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स को रफली चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अलग अलग तरह की कैप्सिकम, कैरेट्स, मशरूम, जुकीनी ली है, लेकिन एज आई सेड आप पसंद की कोई भी वेजिटेबल जैसे कि कैबेज या अनियन पीस में यूज़ कर सकते हैं। तो इन वेजिटेबल्स को अब मैं एक चॉपर में ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल चॉपर, और इनको बिल्कुल छोटा छोटा हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फूड प्रोसेसर या फिर आप हैंड के इस्तेमाल से भी छोटी छोटी सब्जियों को फाइनली चॉप कर सकते हैं। तो वंस इट इज डन, अब हम अपने टोफू को ग्रेट करेंगे। आप टोफू को क्रम्बल भी कर सकते हैं, अगर आप पनीर यूज कर रहे हैं उसे भी आप ग्रेट या हाथ से क्रम्बल कर सकते हैं। ये 100 ग्राम के आसपास है और ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं इट विल सर्व 2 पीपल। इट इज हाई इन प्रोटीन, ये फैट में काफी लो। मैंने 1.5 टीस्पून ऑलिव ऑयल हीट कर लिया है पैन के अंदर, जिसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स को मैंने ऐड कर दिया है। वेजिटेबल्स को हम 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। नाउ वी विल ऐड टोफू और सोया पनीर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया पनीर आप घर पर भी बना सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर हम प्लांट प्रोटीन्स की बात करें, जितने भी प्लांट्स के अंदर प्रोटीन होता है उसमें से सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। मैं सीजनिंग ऐड कर रही हूँ अभी मिक्स करने के बाद, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है, गार्लिक पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, ड्राइड हर्ब्स 2 तरह की और कोरिएंडर पाउडर। साथ ही मैंने 1 चम्मच डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे हल्का सा, एज आई सेड, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल जो हम चाहते हैं, एशियन फ्लेवर जो हम चाहते हैं, वो इस रेसिपी के अंदर आ जाएगा। इसे मिक्स कर देंगे, अब ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। मैं एक डिपिंग सॉस भी प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए 1 बड़ा चम्मच यानी टेबलस्पून पीनट बटर ले लिया है 100% नेचुरल, और 1 चम्मच लिया है डार्क सोया सॉस। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इस तरह के कुछ कंसिस्टेंसी आएगी। अब धीरे धीरे करके मैं इसमें वार्म वाटर ऐड करूँगी। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। ये सॉस रखने के बाद थोड़ा सा थिक होता है, तो कंसिस्टेंसी इनिशियली आप थोड़ी सी लाइट रखिएगा। मैंने चिली फ्लेक्स, ड्राइड हर्ब्स, ऑरिगैनो, गार्लिक पाउडर और सेसमे सीड्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसे मिक्स कर लेंगे एंड इन नो टाइम आपका एक बहुत ही टेस्टी डिपिंग सॉस रेडी हो गया है। मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि सोया सॉस के अंदर हल्का सा सॉल्ट होता है, आप चाहें तो चुटकी भर सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये राइस पेपर की शीट्स हैं जिसे मैंने पानी में डिप कर दिया है दोनों साइड से, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे और फिर इसे स्प्रेड करके फिल कर देंगे। सेंटर में मैं ये फिलिंग डाल रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाल रही हूँ। अब हम इसे सील कर देंगे चारों तरफ से, इस तरह से फोल्ड करते हुए। यह बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा और ये स्टिक भी हो जाता है। नाउ मैं इसे और क्रिस्पी बनाने के लिए और अच्छी तरह सील करने के लिए डबल शीट में कोट कर रही हूँ, रैप कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो सिंगल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस रेसिपी को थोड़ा सा लो कैलोरी रखना चाहें तो। सो अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैदे के आप इस तरह से शीट बनाएं, अगर आप चपाती सेपरेटली रैप्स के लिए नहीं बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक। आई लिव इन अ मेट्रो सिटी जहाँ पर ये आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप अमेजन पे राइस पेपर की शीट्स को आसानी से ऑर्डर करके परचेज कर सकते हैं। तो इसे हम अब दोनों तरफ से लाइटली सौते करेंगे जब तक कि बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। मैंने थोड़े से तिल जो है वो इस पर भी स्प्रिंकल कर दिए हैं, इससे लुक भी अच्छी आएगी और ये टेस्ट भी ज़्यादा अच्छे करेंगे।
और ये बनकर तैयार हो गई। इस पूरी रेसिपी को बनाने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगने वाले हैं एंड दे आर रेडी। दे आर सुपर क्रिस्पी, एक बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। दे आर हाई इन प्रोटीन, इनके अंदर जो फिलिंग है बिकॉज दे हैव वेजिटेबल्स एज वेल, तो वहाँ से इनके अंदर फाइबर और प्रीबायोटिक्स भी आ रहा है। तो डू ट्राई दिस एज सून एज पॉसिबल। ये वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी हैं, माई किड ऑल्सो लाइक्स इट। आप चाहे तो इसकी फिलिंग चेंज भी कर सकते हैं। डू लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मी टू शेयर मोर सच रेसिपीज। सो डू एन्जॉय दिस। आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। एन्जॉय कुकिंग। बाय बाय।